नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। नवरात्रा का समय चल रहा है और ऐसे में जो तमाम लोग होते हैं वे माँ दुर्गा की स्तुति में लगे रहते हैं। बात करेंगे हम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव कोई भी पर्व त्यौहार हो उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो बिहार का छठ हो या फिर माँ दुर्गा की नवमी। अब बात करेंगे, एक नई खबर हमारे पास आई है और ये बड़ी खबर है। दरअसल 3 बकरों की बलि देनी जानी है लालू प्रसाद यादव के द्वारा कल, यानी कि 25 नवंबर जब नवमी की तिथि होगी। आपको बताएं कि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति जो काले रंग का कुर्ता पहने हुए है, वो 2 बकरों के साथ एक आवास में जा रहा है। दरअसल ये आवास जो है वो लालू प्रसाद यादव का रांची में आवास है, जहाँ पर अभी वो रह रहे हैं, और इस व्यक्ति का नाम इरफान है जो लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया जा रहा है। आपको बताएं कि RJD चीफ और चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद यादव माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की उपासना में लगे हुए हैं। लालू यादव के एक नज़दीकी सहयोगी से हमारी बात हुई है और उन्होंने यह पुष्ट किया है कि लालू प्रसाद यादव नवमी के दिन 3 बकरों की बलि देने वाले हैं ताकि माता का आशीर्वाद निरंतर बना रहे और उनकी अधूरी इच्छाएँ पूरी हो सके। आपको बता दें कि बिहार झारखंड में नवमी के दिन बकरों की बलि देने की प्रथा है। इस वक्त लालू यादव जो हैं वो रांची के रिम्स में भर्ती थे, पर अभी फिलहाल वो एक केली बंगले में अपनी सजा काट रहे हैं। जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव 25 अक्टूबर को 3 बकरों की बलि चढ़ाने वाले हैं। पहले बकरे की बलि बिहार में NDA को हराने के लिए, दूसरा बकरा उनकी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तीसरा बकरा जो है जिसका बलि दिया जाना है वो लालू यादव के रिहाई के लिए होगा। तो ये बड़ी खबर है, कल 25 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के द्वारा 3 बकरों का बलि दिया जाना है और ऐसा उनका मानना है कि बलि देने से उनकी जो इच्छाएं हैं वो माँ दुर्गा पूरी करेंगी। आपको बताएं कि हिंदू मान्यताओं में बलि का बहुत विशेष महत्व है और खासकर जो ये शारदीय नवरात्र होता है जिसमें नवमी के दिन और खासकर अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को बलि दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई होती है, और उनका ऐसा मानना है कि माँ दुर्गा बलि से खुश होकर उनकी द्वारा जो बलि दिया गया है उसके अनुसार उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव कई को कुछ केसों में बेल मिल चुका है। मामला जो है वो चाईबासा कोषागर से अधिक निकासी का और देवघर कोषागर से अधिक निकासी का है, जबकि डोरंडा कोषागर से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई जारी है। यदि लालू को दुमका कोषागर में 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में बेल मिल जाता है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अब बताएं आपको कि जो झारखंड BJP है उनके द्वारा इस पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जेल में रहते कोई व्यक्ति अपना धार्मिक कर्मकांड कैसे कर सकता है। आपको बताएं कि BJP प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इस बाबत सवाल उठाया है और ये मांग की है सरकार से कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सजायाफ्ता है, अपना सजा काट रहा है, जेल में है, वो कैसे कोई हिंदू का कर्मकांड या फिर वो किसी भी धर्म का हो तो अपना कर्मकांड कर सकता है। बलि होता है या नहीं होता है ये सारी अपडेट HS बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।